प्यार बात नहीं करता, प्यार तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता, आपका रिलेशन अब पहले जैसा नहीं रहा, क्या ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं? क्या तुम अपने रिश्तों को लेकर के इतना ज्यादा वरित हो कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा? अगर ये सब कुछ आपके साथ है तो निश्चित तौर पर समझिए कि आपके अपने जीवन में राहु और मंगल दोनों के दोनों डैमेज हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए यहाँ नमक रख देने मात्र से आपके प्यार के ऊपर आपका अधिकार बन सकता है। अगर वो बात नहीं कर रहा है, अगर वो तुम्हारी तरफ देखना नहीं चाहता है, अगर उसकी नफरत बढ़ रही है, अगर उसने आपको सब जगह से इवन दिन ब्लॉक भी कर रखा है, तो भी आप निश्चित तौर पर समझिए कि आज ये 5 मिनट का उपाय, आज ये 5 मिनट का उपाय आपके पूरे के पूरे जीवन चेंज कर देगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं Love with Astrology। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं Love with Astrology में। Love with Astrology में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। Love with Astrology में आपको जीना सिखाया जाता है। Love with Astrology में जो लोग आते हैं, जिनके जीवन में मायूसी प्रारंभ हो चुकी थी, जिनके जीवन में हताशा निराशा छा गई थी, जिन्होंने सोच लिया था अब रिश्ता संबंध विवाह परिवार बचाना नामुमकिन हो गया है, उनके लिए लव विद एस्ट्रोलॉजी किसी मंदिर से कम नहीं है। यहाँ गुरु परंपरा से पूरी पद्धति के साथ शास्त्रोक्त ढंग से आपका निदान किया जाता है। ये निदान 4000 रिसर्चर्स के साथ रिसर्च करके आपको दिया जाता है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस। सच मानो अगर हम वो अंडर 5% लोगों के काम नहीं कर पा रहे हैं, उस बात का दंड से है, तो इस बात का हर्ष भी बहुत बड़ा है कि हम 95% प्लस लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं, उन्हें जीना सिखा रहे हैं, रात में सुकून की नींद हम दे पा रहे हैं उन्हें। क्यों? क्योंकि उनके जीवन के रिश्ते संबंध प्यार परिवार सब बच गया है। तो इसके लिए आप सबका बड़ा धन्यवाद कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं, क्या तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा? क्या तुम्हारे रिश्तों में अब वो बात नहीं रही? क्या तुम्हारे संबंधों में मधुरता गायब हो गई है? क्या तुम्हारा रिश्ता बचपाना नामुमकिन हो गया? क्या तुम्हें अब बहुत टफ है सब कुछ ठीक कर पाना तुम्हारे हिसाब से? अगर ये सब कुछ में तुम्हारा हाँ है, तो निश्चित तौर पर समझना सिर्फ 5 मिनट के लिए यहां नमक रख देने मात्र से आपके जीवन में क्रांति आएगी। आपका प्यार आपको पाने के लिए तड़पेगा, उसकी तरफ से आगे बढ़कर के प्रयास किए जाएंगे। अब प्रयत्नों का आगाज आपका नहीं होगा। चुकी ददाति प्रतिगृहणाति, क्या कह रहा हूं? कह रहा हूं ददाति प्रतिगृहणाति नान्य थैसा प्रसीदति। जगरो हास्य मृदंड, जब तक किसी भी कार्य के प्रति आपका रुझान सकारात्मक नहीं होता, जब तक आप उसे जीना प्रारंभ नहीं करते, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होता। इस प्लेटफॉर्म पर आकर के हर व्यक्ति को लाभ कैसे मिलता है, जरा समझने का प्रयत्न करो। यहां आकर लाभ इसलिए मिलता है, यहां तथ्यात्मक बातें करते हैं। यहां ये वो यूट्यूब चैनल नहीं है जहां पर वो कागज पे कुछ कोई लिख रहा है, पता नहीं कौन ही लिख रहा है, ये मतलब ये गंडा बना देना, ये ताबीज बना देना और ये कर देना सब हो जाएगा, पता नहीं कहां से उनको कौन ही बताने आता है, ऊपर से भगवान ही साक्षात आता होगा। यहां हम शास्त्र और पुराण खंगाल कर आपको साझा करते हैं। आज हम कह रहे हैं कि नमक का, आपको आपको एक बात बताऊं,
पूरे के पूरे विश्व में नमक का पोछा लगाने के लिए आज से 20 साल पहले मैंने एक आगाज किया था। उसके बाद पूरे विश्व में हर कोई ये जान गया कि नमक के पोछे से निगेटिविटी समाप्त होती है। इसका आगाज सबसे पहले परमात्मा की कृपा से ईश्वर ने हमें साक्षी बनाया। जीवन में पहली बार हमने लोगों को सिखाया कि अंगूठे में भी कुछ पहना जा सकता है, उंगलियों में ही नहीं, पूरे विश्व में थंब रिंग के नाम से पूरा भूचाल आ गया। हमने कई एक चीजें लोगों को सिखाई हैं, समझाई हैं, बताई हैं। क्यों? क्योंकि वो तथ्यात्मक थी, अंदर से निकालकर हम तो पढ़कर बात कर रहे हैं। खैर, ये सब प्रपंच हम फिर करेंगे कभी। थोड़ा बहुत तो करना चाहिए भाई, यही तो समय मिलता है तुमसे बात करने का। यही एक समय है, 24 घंटे में 2 घंटे सोना और आधे घंटे तुमसे ऑलमोस्ट बात करना है। बस इतना सा संवाद है पर्सनल, बाकी तो तुम्हारे ही कार्यों के प्रति बहुत सारे संसाधन है, इनको देखना संभालना पड़ता है, हाँ उसमें लगे। तो आज हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा नमक यहाँ रख दो कुछ मिनटों के लिए, बस इतना सा तो काम है। उसके बाद तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा संबंध, तुम्हारा विवाह, तुम्हारा परिवार बच जाएगा। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। धैर्य रखना, इसकी पूरी की पूरी बात बता रहा हूँ, बस एक अनुभव। वॉइस मैसेज प्लीज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आप, मेरा पार्टनर मुझसे बात करने लगा, मुझे समझने लगा, मुझे मानने लगा, और वो मेरे पास भी आ गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है हमारे लाइफ में, बस आपके आशीर्वाद से सब कुछ सफल हुआ है और भोलेनाथ के आशीर्वाद से सफल हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि आप अपना कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें कि हम आगे भी कुछ भी हो तो आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहें, हमें आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। प्रसन्नता, आनंद और खूब सारा प्यार दें। आपके जीवन में हर सुख मिले आपको और आपकी हर अभिलाषा पूरी हो। अब आपको करना ये है, आपको एक कांच के बर्तन में एक वाइट पेपर पे बिना पेन चलाए किसी भी डंडी से, कलम से, तुलसी की लकड़ी से इत्यादि से अपनी बात अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। अपनी बात अपनी लैंग्वेज में लिखना मतलब तुम्हें हिंदी अंग्रेजी आती है, तुम्हारी लैंग्वेज नहीं है, तुमने सीखी है। तुम्हारी लैंग्वेज होती है जिसमें कुछ ना लिखाया जाए, बस पेन चलाया जाए और सोचा जाए कल लिखा है। जैसे अगर तुम्हें सपोज करो कि चाइनीज नहीं आती और आपको कहा जाए चाइनीज में लिखो, और आप अंदर मन में ठान लें कि हम बहुत अच्छे चाइनीज लिखते हैं। आपको उर्दू ना आता और आपको कहा जाए कि आप सोच लें कि आप उर्दू अच्छा लिख सकते हैं और आप पेन चलाएं जबरदस्ती, हम उर्दू बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो बस उस तरह से अपनी बात कागज पे लिखिएगा। लिखकर किसी भी बर्तन में, ओपन बर्तन में, बड़े बर्तन में या ग्लास इत्यादि में भी किया जा सकता है, उसमें डाल दें, थोड़ा पानी डालें और 3 चम्मच नमक डाल देना है। जन बाप संहारम मोक्ष यावत निवाम हम, ईश्वर की कृपा का ये 3 संख्या से बहुत संसर्ग है। 3 देवता, 3 देवियां, 3 लोक और 3 ही प्रहर, सुबह दोपहर शाम, और ऐसे कई सारे 17 स्तंभ, बहुत सारी वेदों वेदांगों में बातें लिखी है 3 की। ज्योतिषी आधार पर 3 नंबर प्रेम को रिप्रेजेंट करता है। ज्योतिषी आधार पर, तांत्रिक आधार पर, मांत्रिक तौर पर 3 नंबर चीजों को आपकी तरफ खींच कर लाता है। 2 से 3 होने के यानी प्रेम की प्रसंगता को अग्रिम व्यवस्थाओं की ओर मूव ऑन कराने की व्यवस्था का सबसे बड़ा सूत्रपात करने वाला नंबर 3। तो 3 चम्मच नमक डाल दें अपने ऊपर से 3 बार उतार करके, कहीं भी अपने ही रूम में जहां आप सो रहे हो उसमें आपको राहु की दिशा में रखना है, यानी पश्चिम और उत्तर के कोने में रख लीजिए इसको, और सुबह रात्रि रखिए और सुबह तक इसे रखा रहने दीजिए। सुबह जब इसका कलर अगर चेंज हो जाए तो समझना संकट थोड़ा भारी है, फिर हम आगे इस पर कार्य करेंगे। अगर सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कागज से लेकर के, पानी से लेके, ग्लास से लेके, कहीं कोई दिक्कत ना आए, तो आप समझ जाना कि आपका काम हो गया। शक्तियों ने आपके लिए आपका काम किया है।
बस प्रणाम करके रखना, गुरु आदेश लेकर के रखना, गुरु को प्रणाम करना, अपने इष्ट को प्रणाम करना, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। और धन्यवाद, खूब खुश रहना, खूब प्रसन्न रहना। मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।